नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइन से डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हिंदुओं के साथ नाइंसाफी होने पर उनके साथ खड़े होने का संकल्प लेते हुए कहा कि अत्याचारियों के खिलाफ उनका साथ देंगे, क्योंकि वह सभी समुदायों के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चिंता के बीच शरीफ ने कहा, अगर किसी हिंदू पर जुल्म होता है और जुल्म करने वाला मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अत्याचारी के खिलाफ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यमन के दक्षिणी प्रांत में सरकार समर्थित सुरक्षा बलों ने बुधवार को घात लगाकर 15 शिया हौती विद्रोहियों को मार गिराया। सेना के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्थानीय सैन्य अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि सरकार समर्थित सुरक्षा बलों ने हौती विद्रोहियों के बख्तर बंद वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 15 विद्रोहियों की मौके पर ही मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का कहना है कि सीरियाई समस्या का हल दमिश्क में मजबूत सरकार के गठन के ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि केवल राष्ट्रपति बशर अल असद को भविष्य को ध्यान में रखकर। फ्रांसीसी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने कहा, यह किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, यह सुरक्षा और स्थायित्व का प्रश्न है। उन्होंने हालांकि असद के नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने बताया, हम सभी को मिलकर सीरिया में आतंकवाद खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और शांति एवं स्थायित्व की बहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। नेपाल में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को रोकने के मकसद से नाकेबंदी पर चिंता जाहिर करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने कहा कि सभी पक्ष भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी को खत्म करवाए ताकि नेपाल के मुक्त परिवहन का अधिकार बहाल हो सके। अमेरिका ने मालदीव में सरकारी आपातकाल हटाए जाने का स्वागत किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मालदीव सरकार ने आपातकाल लगाया था और इसे एक सप्ताह बाद हटा लिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, हम वहां आपातकाल हटाए जाने का स्वागत करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर एमएसटीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।